मरियम, सब सुन लिया है मैंने, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मीरा। मरियम मेरी जान, तुमने मुझसे झूठ बोला है मरियम, ड्रामे नहीं करो मेरे आगे। अनस, अनस मेरी बात सुने, मैं नहीं जानती थी कि बात ऐसा रुख लेगी। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारी फैमिली कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। मरियम क्या तुम अपनी फैमिली को नहीं जानती? तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ बेगम, जिस तरह के वो लोग हैं, तुम्हें लगता है उन्होंने कभी हाँ करनी थी इस रिश्ते के लिए? क्या हुआ, बेइज्जत कर दिया तुम लोगों ने मेरी माँ को? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, आपकी अम्मी ने माँ बेगम से बहुत बहस की और मेरे बारे में भी बुरा भला कहा। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ बेगम को बुरा भला कहा? कितनी बुरी औरत है ना मेरी माँ, है ना? और दर वो तुम्हारी माँ बेगम हमारा हस्ब नस्ब खोल के बैठ गई है, मेरी माँ के किरदार पे उंगलियां उठा रही है, वो तुम्हें नजर नहीं आया? लेकिन अनस, आप मुझे बताइए कि इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो इज्जत से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। मरियम, अब ना किसी भी सूरत में हमारी शादी नहीं हो सकती। आप ऐसा मत कहें, आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो तो वैसा भागना होगा। हमारा शादी करना, एक होना, अब सिर्फ इसी तरह मुमकिन है। अगर तुम्हें मंजूर है तो सही है, वरना फिर मुझे भूल जाओ, उस नॉरेज से शादी कर। मैं उसे शादी नहीं करूंगी। अच्छी तरह सोच लेना, जिस दिन कहोगी आकर ले जाऊंगा तुम्हें। मुर्तज़ा खान, तेरी इज्जत का तो जनाजा निकाल के ही रहूंगा मैं।